बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो कि ICS के बुक है कंप्यूटर की फर्स्ट ईयर की, उसमें एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन आप देख लें तो ये होगी कि डिस्प्ले स्क्रीन इज़ आल्सो नोन एज मॉनिटर और सिंपली स्क्रीन। तो इट इज़ कॉमन मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको पता होगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कि हमारी इनपुट को आउटपुट में चेंज कर देते हैं, और आउटपुट या तो सॉफ्ट कॉपी में होती है या हार्ड कॉपी में होती है, लेकिन जो स्क्रीन होती है वो हमेशा हमको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देती है। तो आपको पता होगा कि स्क्रीन हमारे पास क्या होती है, एक हमारा आपके घर में जो LCD LED या कुछ भी लगा हुआ है, तो या वो भी हमारे पास एक स्क्रीन होगी। इसके बाद बात की जाए कि उस डिस्प्ले स्क्रीन की साइज़ की, तो आपको पता है कि अगर आपके घर में एक TV लगाया जो कि 25 इंचिस या 30 इंच या कुछ भी, वो उसके साइज़ मैटर नहीं करता कि क्या है, वो मुख्तलिफ साइज़ में हो सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है इसमें कलर। तो जितने ज़्यादा कोई भी एक हमारे पास अगर स्क्रीन है वो जितने ज़्यादा कलर को सपोर्ट करती है उतनी ज़्यादा अच्छी वो तस्वीर देती है, क्योंकि हर हम एक बुरी और अच्छी स्क्रीन को इसी तरह हम डिफरेंस कर सकते हैं कि उसमें कितने ज़्यादा वो कलर को सपोर्ट करती है, और जितने ज़्यादा वो कलर को सपोर्ट करेगी, वो जितना ज़्यादा कम्बिनेशन बनाएगी वो कलर का, इतनी ज़्यादा वो हमारे पास शार्प और एक रियल इमेज हमारे पास सामने आएगी। तो स्क्रीन में कलर भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन की बात आ जाती है। तो रेजोल्यूशन की डिफिनेशन ये है कि कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स और डॉट्स इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन एक आप समझ लें एक डॉट होते हैं जो कि सब डॉट मिलकर स्क्रीन की रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा एक स्क्रीन में डॉट होंगे इतने ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। तो जितनी ज़्यादा हम उसमें नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ाएंगे इतनी ज़्यादा हमारे पास जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारे पास पिक्चर शार्प आएगी। तो अगर आप किसी पिक्चर को जूम करते हैं और फट जाते हैं, इसका मतलब यह है कि वो उसमें पिक्सल की कमी है।